you can only see a type and shadow i'm going to read from the message now he's bringing this junction when lot and abraham another time when abraham was to be the ruler of the world jab abraham's वाला था is दुनिया का जो बीज है पूरी पृथ्वी पे फैलने वाला था उसके पास उसका उसका जो कि एक रिश्तेदार था एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर टुडे और क्या ही खूबसूरत तस्वीर आज की है ये ऑफ द कोल्ड फॉर्मल इन चर्च उस ठंडी औपचारिक बिना किसी अनुभूति वाली जो परवाह नहीं करती वैसी कलिसिया की अब इसमें प्लीज यहां पे अब हम थोड़ा मैसेज में आगे बढ़ चुके हैं केवल डिनोमिनेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में ना सोचें Amen. ये एटीट्यूड यस कोल्ड फॉर्मल की आप हिंदी कर दीजिएगा ठंड कोल्ड फॉर्मल औपचारिक औपचारिक की क्या मतलब है जो मैं बताता हूं औपचारिकता गरम जोशी नहीं नहीं, गरम। नहीं 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 होती कुछ कामों को निभाना औपचारिकता में कुछ काम मालूम है करना चाहिए तो इन कामों को करने के लिए चर्चा या फेलोशिप में आते हैं अरे चलो संडे हो गया दस्तूरी, दस्तूरी। आप अपनी ऑफरिंग लेके आए हैं इस पे घर में गुस्सा ही है कि ऑफरिंग सही बात है बिल्कुल सही बात भी है मैं अपना दसवांश कम चलो संडे आज चर्च भी है अपना जाके दसवांश दे आएंगे मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं आप क्यों जा रहे हैं चर्च भाई इंपॉर्टेंट है चर्च में आके मीटिंग में बैठ गए बैठ गई हमने अपना काम पूरा कर दिया नहीं चर्च आके हमने आना था बैठना था बाकी तो खुदा के हाथ में है वैसे तो आप एक तरह से सही भी हैं लेकिन अगर दिल से पूछो तो दिल में कोई गर्माहट नहीं दिल में कोई अनुभूतियां नहीं दिल में कोई खुदा के प्रति जागरूकता नहीं कि खुदा के लिए जलन रख के जोशी के साथ जोश के साथ आगे बढ़े वो नहीं लेकिन हां कुछ काम हैं जो चर्च में जाके हमें करने होते हैं दूसरी बात आज हमारे बच्चे छोटे हैं आज से पांच साल दस साल के बाद सोचो जब इनकी उम्र शादी की हो जाएगी यही तो चर्च है फिर जहां पे फिर हम अपने रिश्तों को ढूंढेंगे मारिये इसलिए चर्च जरूरी है चर्च इसलिए भी जरूरी है कि चर्च के माध्यम से अपने बच्चों के रिश्ते मिलते हैं बहुत साल पहले भाई लाल ने यह प्रचार इस चर्च में खूब किया एक लाइन को समझाने के लिए कि जब वे एक चित्त थे अकॉर्ड तब पवित्र आत्मा पेंटिकोष के दिन उतर के आए और क्या वन अकॉर्ड वाली दशा आज है तो वहां पे ये आत्माएं जो मन में घूमती हैं इनको रख रहे थे चर्च में आपकी चर्च देखो चला करो मैसेज समझ में आए ना आए वो तो, तो तभी आएगा ना जब आएगा। या नहीं और चर्च इसलिए चलना चाहिए कि देखो वक्त के बाद कभी कुछ ऊंच नीच हो तो चर्च ही तो है शादी है चर्च है यहां पे रिश्ते मिलते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है जहां पे हम अपनी रास्तबाजी पूरी निभा के आ सकते हैं जज सिखाता है अच्छा जीवन कैसे जियो और दुनिया से बच के रहो है मैं बार 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 इस पॉइंट को हिट करता रहा हूं यह है एटीट्यूड लूथ का लूत में गरमाई नहीं है लूत में गर्म जोशी नहीं है लूत में बेदारी नाम की कुछ चीज नहीं है नाई आपके क्योंकि लूथ बुलाया हुआ भी नहीं है आपकी समझ मारी है बुलाहट में है भी नहीं लेकिन वो पता नहीं क्यों साथ साथ चिपका चल रहा है वो भी चलेगा कुछ समय तक तो ये एक चीज है नबी बोल रहे हैं क्या प्यारी तस्वीरें इंग्लिश की हिंदी करना हूं हिंदी में करने पांच मिनट लग जाते हैं कभी कभी कि लूथ का मतलब क्या है ठंडा औपचारिक और क्या सब इस्तेमाल किया इनडिफरेंट इनडिफरेंट की हिंदी बनेगी जिसे कोई मतलब नहीं वो, वो लापरवाह ला है उसे परवाह नहीं वचन की उसे परवाह नहीं बेदारी की उसे परवाह नहीं खुदा की डीलिंग की चल रहा है चलने दो यार बहुत बढ़िया तो चल रहा है सब आपकी जिम्मे है ये नेचर है लूथ का अब इसको आप मात्र पेंटिकॉस्टल पे डिनोमिनेशन में फिट करके आ जाएं, तो मैं कहूंगा आप एक बहुत बड़ी सीख को अपने जीवन में खोएंगे क्योंकि मात्र नबी पेंटिकॉस्टल और डिनोमिनेशन के ही विषय में नहीं बोल रहे ब्रदर ये आत्माएं हैं जिनके विरोध में नबी अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लूथ है कौन समझ में आ रही है बाकी खैर नहीं को जांचें और देखें कि भाई मैं कहा हूं मैं भाई कहा हूं मैं बहन कहा हूं क्या मैं किसी सांचे में फिट तो नहीं हो रहा और अगर हो रहा हूं तो फिर मैं देखूं अपने जीवन को फिर है नहीं वो चिंता भी उन्हीं हो की होगी जो कि खुदा के हैं जिनको चिंता जो खुदा के नहीं उन्हें चिंता भी नहीं होगी चाहे कितना में से सुना लो उन्हें उनके कोई परवा उनकी कोई क्या कहते हैं जू नहीं रेंगती उनके कोई उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन हां जो खुदा के हैं उन्हें चिंता बहुत ज्यादा होगी वो नहीं ऐसे बैठे रह सकते सो यू सी लॉट इज अ पिक्चर ऑफ अ कोल्ड फॉर्मल इन डिफरेंट चर्च लू तस्वीर है एक ठंडी औपचारिक और बेपरवाह कलीसिया की कितनी गर्म पानी फेंक दो लूथ के ऊपर yes. या मैं कहूं लूथ कलीसिया के ऊपर उन पे ज्यादा असर नहीं होता वो जहां है वो वही है सही बात भी है लाश के ऊपर गर्म पानी फेंको माफ करना मेरे भद्दे शब्दों पे। लाश के ऊपर गर्म पानी फेंको लाश तिल मिलाएगी तो मालूम ही नहीं लाश के ऊपर बर्फ फेंक दो सर्दी में लाश को फुरफुरी लगेगी तो लाश तो लाश है तो ये है समस्या चाहे कितना गर्म मैसेज लाओ चाहे कितनी गर्म जोशी वाली बातें कहो लाश तो लाश है तो लाश पे क्या असर होना है आपकी मारी है? लेकिन हां जिसमें थोड़ी जिंदगी है उसमें हरकतें होती हैं सिमारी है आपके आप नोट करना कई लोग कई लोग नहीं कहूंगा तो मैं कुछ लोग तो बोलूंगा ही यहां पर भी केवल एक अच्छी नौकरी तलाशने की चक्री में ही फंसे रह जाएंगे और वो वक्त नहीं आ पाएगा कि वह कब बैठ के प्रॉपरली मैसेज सुने समझ मारिए आपके और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा अपने सैली करते करते और वो मौका नहीं आएगा कि वह संडे चर्च आ जाए ट्यूसडे आ जाए जब आना शुरू करते हैं तभी उनकी नौकरी लगती है जो ऐसी है जिसमें कंडीशन है ये कि आप संडे को भी यहां ड्यूटी पे आएंगे और ट्यूसडे को भी ड्यूटी पे भैया नौकरी जब मिलती है तो ऐसी मिलती है क्या करें तो हम भी क्या करें हम भी कुछ नहीं बोल सकते तो ये चक्री बनी रहेगी और ये चक्री कुछ लोगों के जीवन से हटेगी नहीं उन्हें मौका नहीं लग पाएगा कि कब वो चर्च आए और इस बेदारी का हिस्सा बन पाए आपके मैं कहूंगा धन्य हो गए आप जिन्हें मौका मिल गया मौके भी हरेक को नहीं मिलते आपकी समझ मारी है आइए थोड़ा आगे बढ़े ये मैंने धीमे धीमे कुछ बातें कुछ बातें और तेजी से करने की कोशिश करेंगे सो अ ब्यूटिफुल पिक्चर ये है खूबसूरत तस्वीर कोल्ड फॉर्मल इन डिफरेंट चर्च ठंडी औपचारिक और बेपरवाह कलीसिया, दैट इज लॉट अब ये लूथ है बट हुब्राहम पर अब्राहम कौन है स्पिरिट बॉन्ड आत्मा के द्वारा